सिगरेट पिला। मेरे पास नहीं है, इसके ड्रॉर में देख। अगर लाश पहचानने के लिए चादर तो हटानी पड़ेगी ना साले। अबे सही कह रहा हूँ सेठ। ओह माय गॉड सेठ, सेठ क्या है यार, तू कॉलेज नहीं गया? अरे मुझे कहीं नहीं जाना है यार। लेकिन क्यों? अरे यार जय होमी, मुझे अपने हाल पे छोड़ दो यार, मुझे कहीं नहीं जाना है। तो क्या तू पूरा दिन यहीं लेटा रहेगा क्या यार? नहीं, फॉर ए चेंज मर जाऊंगा, पीछे पड़े रहते हैं। क्या चीज है यार तुम दोनों? यार ये तो सच में सीमा के प्यार में पागल हो गए। जय, सिट कभी झूठ नहीं बोलता, वो मर जाएगा यार। लेकिन आप क्या करें, तूने ही तो बोला था कि सीमा गिरी हुई लड़की है। और तूने भी तो बोला था कि सीमा बड़ी फास्ट लड़की है। ओमी, वो जो मैंने फ्लैशबैक बताया था ना, हाँ वो सब झूठ था यार। क्या? सीमा के साथ कुछ नहीं हुआ, वो बेल्ट लेके उसकी दादी ने मुझे कुत्ते की तरह पीटा था। यार जय, कुत्ते से याद आया, मेरे और सीमा के बीच भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बल्कि उसके कुत्ते ने मेरा बम चबाया था। साले झूठे, तुझे शर्म नहीं आती? और तू यार मेरे लिए भी बोल रहा हूँ यार, सॉरी यार। लेकिन इसका मतलब है कि सीमा अच्छी लड़की है यार। लड़की नहीं दोस्त, भाभी बोल। आज से सीमा हमारे सेट की, हमारे दोस्त की, हमारे ब्रदर की दुल्हन। जा ओमी जा, हाँ। जाके सेट को सब सच बता दे जा। हाँ ओए सुन, क्या सच सच बता दे? जब झूठ बोला था तो इतने पंच पड़े थे, सच बोलेंगे तो पंचनामा कर देगा यार। यार जय, आगे क्या करें यार? दोस्त, हाँ? अगर डॉन टू, धूम टू और क्रिश टू बन सकती है, हाँ? तो यार ओमी टू और मैं मिलके अपने दोस्त की लव स्टोरी का पार्ट टू क्यों नहीं बना सकते? पार्ट टू। ये ले, सीमा को सॉरी टाइप कर और एक धांसू रोमांटिक शेर एसएमएस कर। हाँ जल्दी कर, हो गया। नो मोर चीटिंग, नो मोर चीटिंग। फोन किधर है? फोन किधर है? आप फोन पे बैठे हो? मैं भी सोचूं क्या वाइब्रेट कर रहा है। अरे सिविलियन का मैसेज है। नहीं पढ़ना। सॉरी लिखा है बेचारे ने और शेर भी भेजा है। अर्ज किया है कि ये औरत भी क्या चीज है, कुछ कहो तो मुंह फुला लेती है और कुछ करो तो पेट फुला लेती है। बड़ी चीपो, बता दे इसको मैं। कुछ करो तो पेट फुला लेती है मतलब? साले कुत्ते, ऐसी शायरी कोई भेजता है? तू पागल हो गया? सीमा, क्या लिखा है? हर लड़का सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल की तरह होता है, दिमाग की जगह ऊपर ढक्कन होता है। दिस इज सो शायर। ये सेट और सीमा को फिर से पैचअप कराने के लिए कुछ नया पपलू सोचना पड़ेगा। ए होल्ड ऑन, कल वो वुमेन्स डे है ना? हाँ है। तो क्यों ना सिड सीमा को एक 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 रोमांटिक गिफ्ट, एक प्यार का तोहफा दे दे। तो वो क्यों देगा यार? डूड वो नहीं देगा, तोहफा हम देंगे और बोलेंगे कि सिड ने दिया है। तोहफा हम देंगे बोलेंगे। व्हाट एन आइडिया यार। और गिफ्ट ऐसा होना चाहिए ओमी जिसे देखते ना सीमा कुल्फी की तरह पिघल जाए। कुल्फी? चल ढूंढते ढूंढते। भाभी के लिए गिफ्ट। ओए ओमी ओमी ओमी, प्रेजेंट मिल गया। कहाँ है ये? भाई ये देख के सीमा कुल्फी की तरह पिघलेगी नहीं, जम जाएगी। क्या पागल हो गया क्या तू? तू पागल हो गया? एक बार अगर सीमा ने ये प्रेजेंट देख लिया ना तो वो सिट का पास भूल जाएगी यार।
गलत जय, अगर एक बार उसने प्रेजेंट देख लिया ना तो सिट का कोई फ्यूचर नहीं रहेगा। अरे कौन से जमाने में रहता है तू अमी? सिट की माँ, सीमा के चाचू, बड़े बुजुर्ग सभी सीमा को इसी रूप में तो देखना चाहते हैं यार। तू क्या पागल हो गया कि तू? एक बार अगर सीमा ने ये गिफ्ट कबूल कर लिया ना तो फिर विजुलाइज करो अमी, हमारी सीमा भाभी ये पहनकर सिट के साथ झुक झुक के बस भाभी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले रही है। सोच जय, तू क्यों ये यशराज की चांदनी को मधुर भंडारकर की चांदनी बार बना रहा है यार? अरे ओमी, एक बात का जवाब दे बस। हाँ, हर आशिक हाँ अपनी महबूबा को इसी अवतार में देखना चाहता है कि नहीं? सही है सर दो। हाँ तो फिर बात पक्की, तू जा खरीद पार्सल कर, मैं जाके ग्रीटिंग कार्ड लेके आता हूँ। मिल गया। एक्सक्यूज मी, यस, मुझे ये रंग बिरंगी वाली पैक कर दीजिए। ओके, मेरी भाभी के लिए आई गिफ्ट रैप। प्यारी सीमा, पहली बार जब तुम्हें देखा था तब से तुम्हें इसी में देखना चाहता हूँ। आई लव यू विद ऑल माई हार्ट, सिड। क्या है? अच्छा लग रहा है।